हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की जो बुक है आपकी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें सब कुछ वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द हम इस चैप्टर का समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आता है व्हाई डू अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरत है हम लोग को संविधान की। आज जो है, आज के समय में ज़्यादातर जो देश हैं, आज के समय में बहुत सारे देश दुनिया के, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर क्या सारे के सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़रूरी है। मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, अगर कंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ऐसा देश जहाँ पर लोग वोट करते हैं, वोट दे करके आते हैं, और वोट देने के बाद वो जिसको चुनते हैं वो हमारा लीडर बनता है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो MP के इलेक्शंस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, उसका लीडर चुना जाता है। तो इस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर लोग वोट देते हैं, तो इस तरीके की जो देश कंट्री होती है ना, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ज़्यादातर होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो हमेशा डेमोक्रेटिक ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भाई मोनार्की होती है, मतलब राजा वगैरह का रूल भी होता है ना। नेपाल एक एग्जाम्पल है, उसमें मतलब अब तो नहीं है, पहले हुआ करता था, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना का मतलब ये नहीं बनता है कि भाई डेमोक्रेसी है, बट अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें हमारे देश में किस तरीके के कानून चलेंगे, क्या क्या हमारे देश में चलेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो सारे के सारे राइट्स, और किस तरीके से हमारे देश में गवर्नमेंट चलनी चाहिए, चलेगी, वो सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान में। संविधान और यानी कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े सारे काम होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, वो ये है कि वो एक हमें सर्टेन आइडल्स प्रोवाइड करता है। आइडल्स होता है कि एक दिशा निर्देश, एक हमें दिशा दिखाता है जिसके बेसिस पे कंट्री हमारी बनेगी, किस तरीके से हमारे जो देश के सिटीज़न हैं वो सिटीज़न क्या करना चाहते हैं, देश में किस तरीके से रहना चाहते हैं। फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें? आइडल्स बताता है इस देश में लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस देश के लोग, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर हम दूसरी तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या होगा हमारी सोसाइटी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा देश का, हमारा जो समाज है, उसका नेचर कैसा है, किस तरीके का इस देश में समाज है। अ कंट्री इज़, एक जो देश होता है उसमें बहुत ही सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कई सारे लोग रहते हैं, सबके अलग अलग अपने विश्वास, अपने बिलीव्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत हो हर इशू पे। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है एज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया ना, उसमें रूल्स, लॉज वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स हमें बताता है, जो रूल्स पूरे देश को गवर्न करने के काम आते हैं, पूरे देश के लोग उन प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई, ये वाली चीज़ तो हम लोग मान रहे हैं। तो एक कंट्री के लोग जिस चीज़ पर, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, पूरे देश के लोग उस पर अग्री करते हैं, उनको मानते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका देश चलेगा, गवर्न किया जाएगा, वो सारा का सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसका देखिए क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के रूल्स होते हैं जो रूल्स हमें बताते हैं कि देश में किस तरीके से कामकाज चलेगा, ठीक है। और ये हमें बताता है कि हमारे देश में टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, और हमें ये भी बताता है ऑल्सो इन एग्रीमेंट ऑन आइडल्स दैट दे विल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि भाई मोनार्की तो नहीं है, डेमोक्रेसी है, किस टाइप की डेमोक्रेसी है, किस तरीके के रूल्स बनेंगे, और आइडल्स बताता है, आइडल्स वही होता है रूल्स, मतलब कि
आइडल्स क्या होते हैं? देखिए, एक ऐसी चीज़ है आइडल कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा है, आपके क्या विचार हैं, एक तरीके से इस देश के लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या उनकी मान्यताएं हैं, वो हमें आइडल्स बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या बताया? सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताई कि किस टाइप की सोसाइटी है, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी का क्या है, और हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट किस टाइप की होगी और किस तरीके के आइडल्स को वो गवर्नमेंट फॉर्म मतलब मानती है, ये बताता है। फिर हमें नेपाल का केस दे रखा है यहाँ पर साइड में कि नेपाल में पहले किंग का, राजा का रूल हुआ करता था, ठीक है, 1990 तक। फिर उसके बाद लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, 2005 में डेमोक्रेसी आई। फिर मतलब किस तरीके से ट्रांजिशन आया कि राजा के रूल से डेमोक्रेसी किस तरीके से देश में आई, वो सारा का सारा हम लोगों को इसमें बताया गया है कि 2006 में नेपाल जो है डेमोक्रेसी बन गया लोगों के, पीपल के मूवमेंट के बाद। तो वही इसमें हमें बताया गया कि नेपाल की जो हिस्ट्री है, नेपाल क्या है, एक कंट्री है, हमारा देश का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अथॉरिटी जो है, जो किंग था वो किस तरीके से चाहता था कि मतलब उसका ही राज बना रहे, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बट लोगों ने मूवमेंट चलाया 2006 में और फाइनली किंग ने अपनी पावर छोड़ दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि जो नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि राजा की मर्ज़ी के बिना जो फाइनल हैंड होगा ना, फाइनल जो बात कही जाएगी, वो राजा के रजामंदी के बिना नहीं होगी। तो भाई वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उन्होंने माना लोगों ने, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये बात हुई। तो हमें इसमें वही बताते हैं कि अगर फुटबॉल के गेम में ज़रा सा चेंज हो जाए उसके रूल्स में, तो कितना अंतर पड़ता है। इसलिए नेपाल जब मोनार्की से, मोनार्की होता है राजा का रूल, मोनार्की से जब नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंटर कर रहा था, तो उसको लगा कि भाई हमें अपने रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। तो फिर वही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया नेपाल में 2015 में, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं 2016, 17, 18, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस आते रहे हैं। नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है, पहला इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी हमें बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द आइडल्स दैट पीपल आर फॉलोइंग इन द कंट्री। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है, हम लोगों को सर्टेन आइडल्स जो हम फॉलो करते हैं और सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, ये हम लोगों को बताता है। फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडल्स फॉलोड बाय पीपल, ठीक है, एंड गवर्नमेंट। तो ये हमें पता लग गया है इसमें से। फिर वही कि एक छोटे से चेंज से भी कितना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ये है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हमें बता देता है कि क्या है। जैसे हमने पहले देखा कि एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब हमारे देश की सरकार किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उसको चुना जाएगा, कैसे कामकाज होगा, ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम। वही नेपाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि राजा की चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा के मंत्री होंगे और वो उसको बताएंगे, बट नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया तो नई गवर्नमेंट और पॉलिटी वहाँ पर फॉलो की गई। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। एक तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताता है, फिर ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब डेमोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं और वो हमारी बिहाफ में पावर को एक्सरसाइज करता है, हमने उसको चुना कि वो हमारे लिए, समाज के लिए डिसीज़न ले सके। बट कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जो लीडर है, वो जो नेता हमने चुना है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बड़े होशियारी से बनाया गया है ये देखने के लिए कि भाई सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दुरुपयोग कोई ना करे। तो ये मिसयूज़ जो है ना अथॉरिटी का, इससे क्या हो सकता है, सोसाइटी में इनजस्टिस हो सकती है ना। अगर कोई हर बात, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हर चीज़ में सिर्फ वो अपनी चलाए, कॉन्स्टिट्यूशन को ना देखें, तो भाई वे ऑल पावरफुल हो जाएंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सब पे लगाम लगा रखी है। अब जैसे हमें इसका एग्जांपल दिया गया है, एक मॉनिटर है, एक बच्चा, वो काफ़ी अच्छा सा नहीं है, मतलब बुली करता है बच्चों को, काफ़ी परेशान करता है। तो उसकी टीचर को कहीं काम आ गया, प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो वो बच्चों से कह के गई, मॉनिटर से कह के गई, तो माइंड करना। मॉनिटर एक बच्चे से चिढ़ता था, उस बच्चे से कह दिया मॉनिटर ने कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। और फिर टीचर जैसी आई तो टीचर से, बल्कि वो बच्चा चुप बैठा हुआ था, फिर भी मॉनिटर को उससे खुंदस थी,
तो उसने उस बच्चे की शिकायत करी टीचर से और टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया। तो देखो कितनी ज़्यादा अथॉरिटी थी इस बच्चे के पास, मॉनिटर के पास, मगर कोई लगाम नहीं थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लगाम भी लगाता है पावर पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी सारे रूल्स बनाता है और सेफगार्ड करता है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, इसका कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो मिसयूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही है कि हम लोग काफी ज्यादा आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आगे हमें ये बताते हैं कि हमने पिछले साल जो दलित्स के बारे में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि था, कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ध्यान रखा है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सब लोग एक समान हैं। समानता का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है। हर कोई एक समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट का मतलब है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के भी साथ। किस 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 बेसिस पे? भाई किसी का धर्म अलग है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई कहाँ पैदा हुआ है, कोई लड़की है, लड़का है, किसी की जाति क्या है, कास्ट क्या है, वो कहाँ से आता है, किसी भी बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा गया है। फिर एक और कंडीशन बन करके आती है, वो कंडीशन क्या है देखिए, एक और कंडीशन जो बन के आती है वो ये है, हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी। अब अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की ही चलेगी तो भी दिक्कत हो सकती है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, मगर बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है और गर्ल्स का कम है। तो उनका गेम का पीरियड था, तो उसमें हमेशा वो बच्चे क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मगर बच्चियों ने सोचा कि वो बास्केटबॉल खेलेंगी, तो लड़के नहीं मान रहे थे, तो बच्चों ने सबने सोचा कि अपने टीचर से पूछते हैं। टीचर ने कहा कि भाई सब लोग हाथ उठाओ, जिसको गेम खेलना है, अब मतलब क्रिकेट खेलना है, वो हाथ उठाओ। तो लड़के ज़्यादा थे तो ज़्यादा हाथ उठे, तो बस वो उनकी मान ली गई। मगर डेमोक्रेसी में ये ध्यान रखा जाता है कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमेशा डोमिनेट ना करती रहे, हमेशा अपनी ना चलाती रहे माइनॉरिटी कम्युनिटी पे। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर इन नंबर, ठीक है, और माइनॉरिटी का मतलब होता है क्या, कम जो होते हैं। मोर इन नंबर क्या होता है, मेजॉरिटी, ठीक है, और माइनॉरिटी लेस इन नंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी में हमारे ये भी इंश्योर किया हुआ है कि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इस बात का भी ध्यान रखे कि जो लेस कमज़ोर लोग हैं उनके साथ अत्याचार ना किया जाए। तो अनहेल्दी सिचुएशन देश में भी आ सकती है, जो हमने केस देखा ये है ना, तो इसमें माइनॉरिटी को अलग थलग किया जा सकता है, और यही होती है टायरनी, ठीक है। ईच सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी का मतलब होता है अपनी अपनी मेजॉरिटी अगर चलाएगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी देश की है वो अपनी ही चलाए, तो वो होता है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके के रूल्स बनाए हैं कि माइनॉरिटी जो है वो हर चीज़ में से एक्सक्लूड ना हो जाए, और उनका मतलब मेजॉरिटी इतना ज़्यादा डोमिनेट ना कर दे कि माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उन वो कुछ कर ही ना पाए। इसलिए बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी खुद को सेफ रख सकती है। तो थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीज़न है हम लोग को जिसके कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग हम खुद से खुद को बचा सकें। ये चीज़ अजीब लग सकती है। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अब खुद से ही गार्ड करता है। हमें इसमें एग्जांपल एक दिया गया, एक बच्ची है, उसका पेपर है कल, बट उसके लास्ट के दो चैप्टर्स रिवीजन के लिए बचे हुए हैं, बट उसका टीवी शो भी उसे देखना है। तो वो सोच रही है कि भाई टीवी शो देखे या पढ़े या क्या करे, उसका बड़ा मन कर रहा है टीवी शो देखने का। फिर उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि कोई भी नहीं देखेगा। फिर जब वो एग्ज़ाम में पेपर आता है तो उस क्वेश्चन
लास्ट के दो चैप्टर्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, तो वही होता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही प्रोटेक्ट करता है, हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के डिसीजन से भी बचाता है कि मान लीजिए सब लोग चाह रहे हैं कि वो डिसीजन हो, मगर उस डिसीजन के लेने से हो सकता है हमारी सोसाइटी को नुकसान हो जाए, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे देश को नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एस्पेक्ट है, एक तो क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बचा रखा है कि जो हमारा लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था, मेजॉरिटी का ही सिर्फ रूल नहीं चलेगा। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, राइट टू इक्वालिटी है, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का चेंज नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो इतना हम लोग देख लिया हम लोगों ने इस वीडियो में। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से देखा है कि एक भी चीज़ हमने इसमें छोड़ी नहीं है। लास्ट में अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन करा है बिल्कुल एक एक लाइन में, फिर एक और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर कंप्लीट करूँगी लाइन टू लाइन में। फिर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक इसका समराइज्ड वर्जन भी निकाल दूँगी, जो मतलब छोटा सा समरी में मैं पूरे का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोग इसका समरी वर्जन भी चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके कर चुकी हूँ, अब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो समरी वर्जन भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। थैंक यू।